इसको हम लोग स्पीच भी कहते हैं नरेशन भी कहते हैं दोनों इसके नाम है स्पीच का मतलब भी नरेशन होता है नरेशन का मतलब ही स्पीच होता है ये पहला टाइप इसका होता है डायरेक्ट यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम डायरेक्ट एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट अब इसको कह सकते हो इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है आप जब किसी से कोई चीज नरेट करते हो जब किसी से कोई चीज बातचीत बात करते हो है ना या जब किसी चीज को आप किसी के सामने डिस्कस करते हो तो वहां पर आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि जो कॉन्वर्सेशन आप कर रहे हो वो डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है अगर वो डायरेक्ट में होगा तो फिर वो इस तरीके से होगा राम सैड राम ने कहा आई एम बिजी मैं क्या हूं भाई बिजी हूं ये स्टेटमेंट राम का है जिसमें एक लड़का है राम जिसका नाम राम है और उसने क्या स्टेटमेंट दिया i am busy मतलब मैं व्यस्त हूं मैं बिजी हूं अब जब इसी बात को हम अपने शब्दों में कहेंगे अपने शब्दों में कहेंगे मतलब इन आवर ओन वर्ड्स हम कहेंगे तो हम कहेंगे राम said that राम ने कहा कि अब बिजी कौन है मैं बिजी हूं ऐसा किसने कहा राम ने तो राम अपने आप को i बोल रहा है लेकिन हम राम को i थोड़ी नहीं कहेंगे हम राम को वहां पर थर्ड पर्सन कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हमको कहना होगा राम said that he was बिजी तो भाई ये जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है जिसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा है, ये अभी, के अंदर जो स्टेटमेंट दिया है तो स्टेटमेंट होता है इनडायरेक्ट स्पीच ये बेसिक है जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट लेवल की चीजें बताऊंगा कैसे चेंज करना है लेकिन समझ में स्टूडेंट को आएगी ये सारी चीजें जो कि पूरा अटेंशन दे रहे हैं सो राम सेट दैट ही वॉज बिजी अब यहां पर ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है डायरेक्ट स्पीच में दिया है और इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्टेटमेंट आपने दिया है राम सेट दैट ही वॉज बिजी ये आपका कौन सा स्टेटमेंट है ये आपका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है तो हमको सबसे पहली चीज़ जो समझनी है वो क्या समझनी है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में क्या डिफरेंस है ठीक है डायरेक्ट स्पीच मतलब जब स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच मतलब वो स्पीच जिसमें स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं अपने शब्दों में कहते हैं मतलब कि राम को हम यहाँ पर थर्ड पर्सन मान रहे हैं इसलिए देखो आई का क्या कर दिया है? हमने ही कर दिया तो जब किसी स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों में कहते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं यू आर गिवन डायरेक्ट स्पीच एंड यू आर टोल्ड टू चेंज दैट स्टेटमेंट इन टू स्पीच तो आपको इसमें दिया रहता है और इसमें चेंज करना होता है ये होती है आपके इनडायरेक्ट स्पीच अब क्वेश्चन उठता है कि सर मुझे अपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे बढ़ाना और स्पोकन में इसको कैसे यूज़ करना है। वही मैं आगे आपको बताने वाला हूं इसके अलावा मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं ध्यान दीजिएगा मान लीजिए एक लड़की है शी सेट टू वो हम लोगों से कुछ बोल रही है अस क्या बोल रही है कि यू आर नॉट माई फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिएगा इस स्टेटमेंट में हम लोग भी शामिल हैं हम कौन अस अस मतलब कौन फर्स्ट पर्सन एक लड़की है जो हमसे कह रही है शी सेड टू अस यू आर नॉट माय फ्रेंड्स कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो मान लीजिए हम लोग दस पंद्रह बीस लोग तीस लोग कहीं पर बैठे हैं मैं भी हूं आप भी हम सब लोग हैं उसमें है ना और एक लड़की हमारे पास आई और हमसे बोल रही है यू आर नॉट माई फ्रेंड्स तुम मेरे दोस्त नहीं हो अब इस बात को हम अपने शब्दों में कहेंगे तो हम कैसा कहेंगे हम कहेंगे उसने मतलब उस लड़की ने उस लड़की ने हमसे कहा कि हम उसके दोस्त नहीं हैं हम उसके दोस्त नहीं है मतलब ये यू का क्या हो गया हम हो गया माय फ्रेंड्स का क्या हो गया उसके फ्रेंड मतलब हर फ्रेंड्स हो गया तो ऐसे प्रोनाउन चेंज भी होता है तो जब आप इसको चेंज करोगे तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि यहां सेड के बाद में टू लिखा और अस लिखा है जैसे यहां पर सेट का हमने क्या लिख दिया सेड ही लिखा लेकिन यहां पर टू लगे होने के कारण आपको लिखना होगा इसका टूल क्या लिखना होगा टोल्ड शी टोल्ड अब आएगा आपका अस शी टोल्ड अस यू आर नॉट माई फ्रेंड तो पहले लगाना होगा कनेक्टिव दैट ये आपने दैट कनेक्टिव लगा दिया यू किसको बोल रही है वो लड़की यू बोल रही है अस को तो इस यू का हो जाएगा वी आर का हो जाएगा पास्ट में चले जाने से वर नॉट का नॉट ही होगा माई फ्रेंड मतलब किसके फ्रेंड उस लड़की के फ्रेंड तो माई का हो जाएगा हर और फ्रेंड्स का हो जाएगा फ्रेंड्स तो भाई दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें आप लोग शी सेड अस यू आर नॉट माय फ्रेंड उसने हमसे कहा तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो इसको इनडायरेक्ट में हमने बनाया उसने मुझसे कहा कि हम उसके दोस्त नहीं हैं उसके फ्रेंड नहीं हैं दैट इज द डिफरेंस अब इसमें जो काम की चीजें वो ये देखनी है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना स्टूडेंट्स उसमें दो चीजें होती हैं ये जो स्टेटमेंट है राम सेड यू सेड 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 वी दे इस स्टेटमेंट को कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच पॉइंट टू बी नोटेड और आई एम बिजी जो आपने यहां पर यूज किया है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच जी हां आपकी नरेशन जो है इसमें दो सिचुएशंस होती है पहली जो सिचुएशन है यू नो दैट सिचुएशन इज कॉल रिपोर्टिंग स्पीच राम सेड यू सेड वी सेड ही सेड दे सेड यू नो ये सारी सिचुएशन आपकी जो है क्या कहलाती है ध्यान दीजिएगा ये सारी सिचुएशन जो है राम सेड यू सेड वी सेड ही सेड दे सेड ये कहलाती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कहलाता आई एम बिजी यू आर गोइंग शी इज कमिंग मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कॉन्टेंट आता है ना वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को आप जोड़ देते हो तो जो बनता है वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को हमें जोड़ना होता है यही इंग्लिश है दिस इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच राइट तो इस तरीके से हमको इसको समझना है और याद रखना इस बात को कि यहां पर राम सेड आएगा तो ही हम इसे पास्ट में बदलेंगे अदरवाइज नहीं बदलेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा सारी चीजें यहां तक मैंने अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है मैंने सिर्फ आपको नरेशन क्या है वो समझाया है आपके दिमाग में यह चीज चली गई होगी कि नरेशन की अहमियत क्या है नरेशन को हमें कैसे यूज करना है तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप लोगों को क्या सिखा रहा हूं मैं आई एम टीचिंग यू नरेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीच एंड नरेशन इज हैविंग टू कैटेगरीज द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड वन दैट वी हैव इज इन डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच जो कि दो भागों में डिवाइड होती है जिसके पहले भाग को कहते हैं आप रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें राम सेड ही सेड यू सेड वी, सेड वी सेड दे सेड आता है और दूसरा जो आपका होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच जिसमें आई एम गोइंग शी इज कमिंग शी विल कम आई विल कम आई विल हेल्प यू ये स्टेटमेंट्स आते हैं जो तो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं वो आपके रिपोर्टेड स्पीच होते हैं राइट right? तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा अब हम पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं ठीक है ना देखिए भाई आपको सबसे पहली चीज जो आपको सबको जाननी है स्पीच के बारे में नरेशन के बारे में स्पीच या फिर नरेशन इसके बारे में जो सबको जानने की जरूरत है वो ये है कि भाई आपके जो नरेशन होते हैं जैसे आपने एक स्टेटमेंट दिया राम सेड टू रावण अब राम ने रावण से कहा आई विल किल यू टुडे अब इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो यहां पर स्पीकर कौन है लॉर्ड राम लिसनर कौन है रावण तो यहां पर स्पीकर ने लिसनर से क्या कहा कि मैं तुम्हें आज मार डालूंगा अब अगर हम हमारी मैथोलॉजी पे जाएं तो ये स्टेटमेंट आया है त्रेता युग से आज से हजारों साल पहले जो स्टेटमेंट दिया गया वो स्टेटमेंट को आज हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो जब इस स्टेटमेंट को हम उन्हीं के शब्दों में कहेंगे लॉर्ड राम के शब्दों में कहेंगे तो हम लिखेंगे राम सेट टू रावणा आई विल क्ली टूडे तो ये देखो इन्वर्टेड कॉमा लगाया हमने इस स्टेटमेंट के ऊपर तो ये जो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच है और ये हिस्सा आपका रिपोर्टेड स्पीच है अब इस बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं तो जब हम इसे अपने शब्दों में कहेंगे तो हमको कुछ स्पेसिफिक रूल फॉलो करने पड़ेंगे वो स्पेसिफिक रूल में यहां पर लिख रहा हूं वो स्पेसिफिक रूल में सबसे पहला रूल रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होने पर आपको सेड टू का टोल्ड कर देना है पॉइंट टू बी नोटेड यहां देखो रिपोर्टिंग स्पीच ये है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में देखो रावण ऑब्जेक्ट आया है तो सेट टू का क्या करना है टोल्ड करना मतलब ये सेट टू का क्या हो जाएगा टोल्ड आओ टोल्ड करें राम सेट टू का क्या हो जाएगा टोल्ड रावण यहां तक सबको समझ में आ गया होगा अगर मान लो आपको कल को ये दे दिया सेस टू दे दिया तो इसका टोल नहीं इसका टेल्स होगा अगर आपको से टू दे दिया तो इसका टेल हो जाएगा ये सबसे पहला रूल है जो आप सभी स्टूडेंट्स को सभी को अपने दिमाग में माइंड करना है ओके दूसरा नियम जो है वो मैं यहां लिख रहा हूं व्हाइट से ध्यान दीजिएगा मैंने कहा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आपको दैट कनेक्टिव का यूज करना है दैट कंजंक्शन भी लिख सकते हो दैट कनेक्टिव लिख सकते हो मतलब राम टोल्ड रावणा और आई विल किल यू को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाना है आपको दैट लगाना है ठीक है सर दैट भी लगा दिया ये भी सीख गए तो कितने चेंजेस हुए अभी दो चेंजेस हुए पहला चेंजेस सेट टू का टोल्ड हो गया क्यों क्योंकि क्यों यहां रावण लिखा है अगर यहां रावण नहीं होता मान लीजिए पर रावण नहीं होता तो सेड का सेड ही लिखते हैं हम फिर उसको टोल्ड में चेंज नहीं करते ये रूल दिमाग में फिट कर लेना जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ही सेड टू का टोल्ड होगा अदरवाइज नहीं होगा दिस इज द रूल दैट यू नीड टू कीप इन माइंड ओके आई होप कि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई होगी अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है वो क्या है प्रोनाउन चेंज मैं यहां लिख रहा हूं उस चीज को सुन लेना सभी प्रोनाउन चेंज अब ये प्रोनाउन चेंज क्या होता है प्रोनाउन चेंज का मतलब ये होता है कि लॉर्ड राम अपने आप को क्या बोल रहे हैं आई और रावण को क्या बोल रहे हैं यू इसका मतलब ये हुआ कि जहां आई लिखा है उसका मतलब कौन है लॉर्ड राम और जहां पर यू लिखा है उसका मतलब कौन है रावण ठीक है जहां आई लिखा है उसका मतलब क्या है लॉर्ड राम और जहां यू लिखा है उसका मतलब क्या है रावण तो अब जब इसका प्रोनाउन आप चेंज करोगे तो आई किस में चेंज होगा आई चेंज होगा ही में और चाहे तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं का 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 ये इस में होते है। ये सब मैं अभी आगे, आगे आपको लिखवाऊंगा सारी चीज समझ में आ जाएगी डोंट वरी सो यहां पर विल का क्या कर दिया हमने वुड कर दिया इसके बाद आपको क्या लिखना है किल का लिखना है यू किसको बोला जा रहा है रावणा को तो यू का पॉजिस बनेगा यहां पर यू का ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा हिम और हिम के ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो रावणा और टुडे का हो जाता है देट देट। तो भाई ये रहा आपका डायरेक्ट स्पीच और ये रही आपकी इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच में कहा राम सेड टू रावणा आई विल किल यू टुडे और हमने अभी कहा राम टोल्ड रावणा दैट ही वुड किल हिम दैट डे या फिर ही लॉर्ड राम वुड किल हिम रावणा दैट डे सो दिस इज द एग्जैक्ट वॉन दैट यू कैन अंडरस्टैंड हमने अभी क्या किया अभी हमने तीन मेजर चेंजेस किए पहले रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट था तो हमने सेट टू का टोल्ड किया दूसरा दैट कनेक्टिव लगाया तीसरा प्रोनाउन चेंज किया और चौथा हमने किया टेंता हूं टेंस चेंज अच्छा टेंस चेंज कैसे करते हैं विल का क्या कर दिया वुड इज़मार होता तो क्या कर देते वॉजवर हैजेब होता तो क्या कर देते हेड तो ये जो चेंजेस कहलाता है दैट चेंजेस इज कॉल्ड टेंस चेंज डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त आपको चार मेजर चेंजेस करने होते हैं स्टूडेंट्स uh, आप देख सकते हैं फोर मेजर चेंजेस टेक प्लेस व्हेन यू चेंज समथिंग फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट जैसे पहला आप मेजर चेंजेस क्या हो गया रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने वाला जिसमें सेट टू का टोल्ड हो गया रिपोर्टिंग वो आपको चेंज करने वाला दूसरा दैट कनेक्टिव वाला तीसरा प्रोनाउन चेंज प्रोनाउन चेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोनाउन चेंज पूरी तरह से डिपेंड करता है आपका ये जो यहां पर स्पीकर और लिसनर दिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोनाउन चेंज अब मैं यहां पर डेमो के तौर पर कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं जिनको हम लोग चेंज करें अब ये समझना ये तीन सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दी है इसमें सबसे पहला सेंटेंस है शी टू रवि यू आर बेस्ट फ्रेंड आओ इसको चेंज करते हैं तो इसको चेंज करने के लिए वही चार, चारों रूल हम लोग अप्लाई करेंगे आप सबको अच्छे से पता है चार रूल में पहला रूल कौन सा है रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होने पर सेट टू का टोल्ड करना है रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया है ये देखो रवि दिया है तो शी टोल्ड रवि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा आई होप सबको क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं रवि का आर कैपिटल आएगा कनेक्टिव में क्या लगाना दैट लगा दिया दो हो गए ये देखो पहला हो गया दूसरा कनेक्टिव भी लगा दिया तीसरा प्रोनाउन चेंज अब प्रोनाउन चेंज में देखो स्पीकर कौन है शी तो ये अपने आप को क्या कहेगी आई रवि कौन है लिसनर लिसनर को क्या कहेगी वो यू मतलब जहां यू लिखा है उसका मतलब होगा रवि तो यू का क्या होगा ही होगा शी नहीं होगा यू का ही होगा क्योंकि भाई यू किसको बोल रही है वो लड़की रवि को इसलिए यू का का ही मान लो आई आई होता यहां तो आई का फिर शी करते हैं आर माई फ्रेंड तो इसका वॉज हो जाएगा वॉज क्यों हो गया यहां पर टोल्ड है सेड है जब पहली सेंटेंस पास्ट का होता तो आने वाले भी पास्ट क्यों हो जाते इसको कहते हैं टेंस चेंज इसमें टेंस चेंज भी हो जाएगा दैट्स ही वॉज माय मतलब किसका फ्रेंड वो लड़की का फ्रेंड तो हर हो जाएगा बेस्ट ब्रदर फ्रेंड नहीं सॉरी ब्रदर तो शीट सेड टू रवि यू आर माय बेस्ट ब्रदर तो शी टोल्ड रवि दैट ही वाज हर बेस्ट ब्रदर तो ये रहा आपका कुछ इस तरीके से राइट आई होप आपको इस समझ में आया होगा आई होप ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी अब आगे मैं आपको लेकर चलता हूं रवि सेट टू निशा आई डोंट नो यू रवि सेट टू निशा आई डोंट नो यू तो यहां पर आपको क्या करना है वही स्टेटमेंट रवि टोल्ड निशा दैट यहां तक तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से रवि टोल्ड निशा दैट कोई डाउट है आई यहां पर कौन है रवि है तो आई का हो जाएगा ही डिड डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट नो का नो ही लिखना है आपको You किसको बोला जा रहा है निशा को तो यू का हो जाएगा हर ठीक है तो रवि टोल्ड निशा दैट ही डिट नो हर तीसरा सेंटेंस देखेंगे आप दे सेड टू रवि यू कांट हेल्प अस उन्होंने रवि से कहा तुम हमारी मदद नहीं कर सकते उन्होंने रवि से कहा तुम हमारी मदद नहीं कर सकते अब इस स्टेटमेंट को जब आप अपने शब्दों में कहोगे तो आप कहोगे दे सेट टू का क्या करोगे बोलो टोल्ड रवि का आपको रवि लिखना है यहां तक तो सबको आ गया, गया होगा समझ में अब कनेक्टिव क्या लगाना लगा कनेक्टिव में यू। यू रवि को तो यू का क्या हो जाएगा होगा अस कौन है यहां पर दे है तो अस का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर बनेगा टोल्ड रवि दैट ही कुडंट हेल्प दम अब हिंदी में देखो उन्होंने रवि से कहा तुम हमारी हेल्प नहीं कर सकते उन्होंने रवि से कहा कि वह उनकी हेल्प नहीं कर सकता था दिस इज नीचे आप, आप देखें ये वाला डी वाला देखो शी सेज टू मी एक लड़की वो मुझसे बोल रही है आई कैन हेल्प यू मैं आपकी हेल्प कर सकती हूं ध्यान दीजिएगा इस स्टेटमेंट को She says to me, I can help you. Says to me, यहाँ क्या लिखा है देखो says लिखा है She says to me, I can help you. अब इस statement को जब आप change करोगे तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि she says का क्या होगा tells. इस तरीके से She tells me that, right? ये says का क्या होगा tells. अब ये I कौन है यहां पर वो लड़की she है तो आप क्या लिखोगे She. अब यहां पर कैन का कुड नहीं करना कैन का कैन नहीं लिखना है बताओ क्यों क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंटेंस में है इसका मतलब यह हुआ कि जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंटेंस में होगी तब आपको प्रेजेंट टेंस में होगी और फ्यूचर टेंस में होगी तब आपको टेंस चेंज नहीं करना मतलब कैन का कैन ही आएगा इजेमार का इजेमार ही आएगा वॉजबर का वॉजबर ही आएगा हैजेव का हैजे भी आएगा टूडे का टूडे ही आएगा आपको कोई चेंजेस नहीं करने होंगे तो यहां पर कैन का कैन ही लिखना है, हेल्प का हेल्प ही लिखना है यू का बदल जाएगा यू किसको बोला उसने मी को तो यहां पर हो जाएगा मी तो भाई शी सेस टू मी आई कैन हेल्प यू वह मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं तो शी टेल्स मी दैट शी कैन हेल्प मी वह मुझसे कहती है कि वह मेरी मदद कर सकती है दिस इज द स्टेटमेंट एंड आई थिंक यू गाइज कैन ईजिली अंडरस्टैंड एवरी थिंग यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम